जय माता दी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श छोटों को मेरा प्यार मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आपकी फरमाइश में पेश हो गई मैं अंक शास्त्र को लेकर यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वीकली प्रोडिक्शन आप लोगों के लिए क्या कह रही है क्या होने वाला है आने वाले सप्ताह में आपके लिए आइए जानते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर वन वालों की तो नंबर वन के अकॉर्डिंग हमारे टायरो इशारा कर रहे हैं कि आप चीजों को लेकर स्टक है आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है आप ये सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या यहीं रुक जाऊं तो ऐसे में कृष्ण जी का इशारा आपके लिए है कि आपको आगे बढ़ना है जहां भी आपको लग रहा है ना दरवाजा खटखटाने की जरूरत है खटखटाइए आपको हेल्प जरूर मिलेगी लेकिन सोचने से नहीं मिलेगी आइए नंबर टू वालों के लिए क्या लेकर आया है ये वीक जानते हैं नंबर टू वालों के लिए दर्शा रहा है कि आपका इस वीक चेंज ऑफ प्लेस है आप ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं जो लोग जॉब का वेट कर रहे थे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज का तो इस वीक आपको गुड न्यूज मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से एक दो दिन के लिए कहीं ट्रैवलिंग पर जाएं आप इस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं तो अच्छा पीरियड है आपके लिए नंबर थ्री वालों के लिए थोड़ा सा टाइम इस वीक आपके लिए टफ है आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में तो आपको उसे ना भुलाने की जरूरत है जो भी हुआ है आप उसको भुला दीजिए बिकॉज जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे किसी चीज को होल्ड करके रखेंगे तो जो नई चीज आने वाली है ना वो आपके हाथ में नहीं आएगी तो दिस इज द राइट टाइम टू लेट गो द थिंग आप जाने दीजिए क्योंकि ऐसा ना करने से आप अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी कुछ ऐसा हुआ है उसको छोड़ दीजिए और मूव ऑन करिए ये बहुत जरूरी है नंबर फोर वालों के लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पास जो भी है उसको शेयर करना शुरू करिए क्योंकि आप लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच लेकर चल रहे हैं आप सिर्फ ये समझ रहे हैं मुझे सामने वाले से फायदा कैसे उठाना है लेकिन अभी जो समय है वो फायदा उठाने का नहीं है अभी का समय है कि जो आपके पास है उसको बांटना शुरू करिए अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आया है तो उसकी मदद जरूर करिए नंबर फाइव वालों के लिए आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी थोड़ा सा अकड़ू हो गए हैं पिछले कुछ समय से तो आपको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी शो रेस्पेक्ट टू योर नियर एंड डियर वंस ये बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो छोटे से बच्चे भी आपकी इंसल्ट कर सकते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है नंबर सिक्स वालों के लिए कार्ड कह रहे हैं कि आपको जिस चीज की भी शुरुआत करनी है आपके पास अगर पूरे सोर्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन आप छोटी सी जो भी चीज है जहां से स्टार्ट कर सकते हैं वहां से स्टार्ट करने की कोशिश करिए बिकॉज यू डोंट नीड ऑफ वेल्थ टू स्टार्ट समथिंग न्यू थोड़े से भी शुरुआत की जा सकती है लेकिन उसके लिए आपकी विल पार का स्ट्रांग होना जरूरी है और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे चीजों को आप आगे नहीं ले जा सकते तो शुरुआत करिए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे नंबर सेवन वालों के लिए कार्ड कह रहा है कि आप बाहर दिखावे में ना जाकर अपनी इनर ब्यूटी पे काम करना शुरू करिए तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं लोग आपसे कतरा रहे हैं लेकिन आपको अपनी इनर ब्यूटी पे काम करने की जरूरत है प्यार से पेश आइए अपनी इनर ब्यूटी पे काम करिए लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचिए थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए <coughs> नंबर एट देखिए इसीलिए मैं कहती हूं कि ठाकुर जी का इशारा बहुत सही होता है अगर आप ये कार्ड देखे मैं हमारे जो कैमरा मैन है अनिल जी को कहूंगी थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा सके ये जो कार्ड है ये कहता है डू योर कर्म और आठ नंबर शनि का आठ नंबर शनि वैसे भी शनिदेव कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूं जैसे कर्म करोगे उससे दस गुना ज्यादा दूंगा तो आठ नंबर वालों के लिए इशारा है कि इस वीक आपको मेहनत से नहीं बचना है मेहनत करिए मेहनत से बचेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी नंबर नाइन वालों के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स नंबर नाइन वालों के लिए हमारे कार्ड्स कह रहे हैं कि जिस चीज़ की आप शुरुआत करना चाहते हैं करिए है। क्योंकि आप ना डर रहे हैं आपको लग रहा है पता नहीं आप उस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लेकिन आप ये सोचिए कि इस चीज़ की शुरुआत आपने क्यों करी थी क्योंकि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि आप कर लेंगे तो अब आप क्यों डर रहे हैं डरने से चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी आप ये सोचिए ना आपने ज़ीरो से यहां तक आए कैसे आए अपनी मेहनत से आए ना तो वो मेहनत को आगे करते रहिए उस मेहनत को आगे करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी तो ये थी जानकारी मेरी आप सभी के लिए कि वीक में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है कमेंट करके बताइएगा जरूर किसके साथ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई जय माता दी